माय ब्लॉग और आप देख रहे हो शाइन्स ब्लॉग। मैं हूँ आपकी दोस्त और होस्ट शाइन। होप्स आप सभी को मेरे प्रीवियस ब्लॉग पसंद आया होगा। सो लेट्स गो टू माय नेक्स्ट ब्लॉग। इसकी वीडियो में मैं आपको कुछ अलग सा दिखाने वाली हूँ। वो है मेरे पास जो मार्केट में सबसे अभी चल रहा है, फेमस है, और वो क्या है मैं आपको दिखा रही हूँ। ये है DJI OM 4SE गिम्बल। सो चलो फटाफटक से इसे अनबॉक्सिंग कर। आई होप यू गाइज ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी यूजफुल रहेगा। वैसे तो मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में कुछ डिफरेंट व्लॉग बनाऊंगी। सो ये था। तो मैं ये व्लॉग कोई स्पॉन्सर के लिए नहीं कर रही हूँ, मैं जस्ट फॉर अनबॉक्सिंग या कोई कंटेंट क्रिएट हो जाए इसलिए कर रही हूँ। सो लेट्स गो। कलर काफ़ी अच्छा है, ग्रे कलर काफ़ी मुझे पसंद है। वाह, इसके बारे में मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगी। सबसे पहले इसमें बॉक्स में क्या क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। सो ये है गिम्बल, ये है मोबाइल होल्डर, सो ये मैग्नेटिक है पूरे तरीके से। ये है पैड जो आपके मोबाइल के हिसाब से एडजस्टमेंट करने के लिए, या फिर कोई मोबाइल स्लिम होता है तो उसे आपके मोबाइल के साइज़ के हिसाब से लगाने के लिए। और ये है USB केबल जो चार्जिंग के लिए। यहाँ दो पॉइंट है, जिस तरीके से यहाँ दो पॉइंट दिया गया है चार्जिंग कर सकते हैं। ये फीचर ओपन करने से पहले मैं एक बात बता देना चाहती हूँ आपको। यहाँ से ऑन करने से पहले इसे ओपन कर देना, उसके बाद ही यहाँ से ऑन करना, नहीं तो ये खराब होने के पूरे पूरे चांसेस है, हो सकता है। सो इसे किस तरीके से ओपन करते हैं मैं आपको दिखा देती हूँ। कुछ इस तरीके से ओपन करना है इसे, अब इसे ऑन करने वाले कुछ इस तरीके से प्रेस। हे दोस्तों, ये है आपके होस्ट और मेरे दोस्त, ये वीडियो अब कंटिन्यू करेंगे। सो शाइन ने जहाँ पे छोड़ा था मैं वहीं से कंटिन्यू करना चाहूँगा। जब तक आप इसको खोलते नहीं हो तब तक इसको ऑन मत करना, क्योंकि इसके अंदर एक 3 मोटर्स है, ये पहला, ये दूसरा और यहाँ पे है तीसरा। ये तीनों में से कोई ना कोई एक मोटर खराब हो जाएगा अगर खोलने से पहले इसको ऑन कर दोगे। ऑन करने के लिए आपको M बटन जो है 2-3 सेकेंड्स के लिए दबा के रखना है, पर उसके पहले आपको क्लैम फिक्स करना है आपके मोबाइल होल्डर के साथ। और जब होल्डर फिक्स करोगे तो उसके पहले ये मेक श्योर कर लेना कि ये जो वाइट डॉट है और ये जो वाइट डॉट है आप देख रहे हो शायद, ये वाइट डॉट और यहाँ पे एक वाइट डॉट है, ये वाइट डॉट मैच कर लेना चाहिए, तब जाके आपकी स्टेबिलाइजेशन अच्छी आएगी। ये हो गई है और देखिए अभी तो ये बिल्कुल भी सेंटर्ड पोजिशन पर नहीं है, और ये कैसे भी हो रहा है तो यहाँ पे तो अभी असली मैजिक दिखने वाला है आपको। जस्ट प्रेस एंड होल्ड फॉर 2-3 सेकेंड्स और आपको दिख जाएगा टाडांग। तो यहाँ पे चालू हो चुका है अपना गिम्बल, यू कैन सी द स्टेबलाइजेशन ऑलरेडी। और हम यहाँ पे शटर बटन है रेड वाला, कैमरा का सिंबल है, उसे हमें प्रेस करना है टू स्टार्ट द वीडियो एंड टू एंड द वीडियो। और अगर आपको फोटो भी खींचना है तो उसी से खींच सकते हो। और M जो बटन है, ये M बटन आपको डबल बार प्रेस करने से ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे आपको अगर रील्स निकालना है तो ऐसे खड़े में लेना है, और अगर आपको यूट्यूब के वीडियोस निकालना है या व्लॉग्स करना है या शॉर्ट मूवी निकालना है तो यहाँ पे डबल प्रेस कीजिए एंड देयर यू गो टाडा। और ये जो बटन है, ये जो देख रहे हो, इसको आप दो बार दबाने से अगर गिम्बल जहाँ पे भी रहेगा आपका रीसेंटर हो जाएगा। यहाँ पे ऐसा हो गया, और इसी को पकड़ के रखने से ये लॉक मोड पे चले जाता है, जो कि आप कहाँ पे भी कैसे भी शूट कर सकते हो। देखिए कितना स्टेबलाइजेशन है यहाँ पे। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, मैं इतना हिला रहा हूँ मेरा हाथ, फिर भी आपको समझ में नहीं आएगा कि मैं हिला रहा हूँ। सो दैट्स द स्टेबिलिटी ऑफ दिस गिम्बल, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है पर्सनली। और कमिंग टू द फीचर्स पॉइंट, यहाँ पे अपने पास पैनो निकालने का ऑप्शन है, डायना जूम है, जो कि आप आजकल के शॉर्ट वीडियोस और शॉर्ट मूवीज़ में देखना मिलता है। और यहाँ पे टाइम लैप्स का भी ऑप्शन है, यहाँ पे हाइपर लैप्स का भी ऑप्शन है। आपको पता होगा हाइपर लैप्स और टाइम लैप्स के बीच में क्या डिफरेंस है। और आपको और एक बात बता दूँ जो कि वीडियो में है, और अगर आपको किसी चीज़ को आपको ट्रेस आउट करना है या फिर उसी को सेंटर में रखना है, तो फॉर एग्जांपल अगर मेरे को ये ट्राईपॉड सेंटर में रखना है तो मैं इसी को ऐसा ड्रैग कर लूँगा ताकि वो, देखा भी आपने, गिम्बल ऑटोमेटिकली
मेरे ट्राइपॉड को उसने सेंस कर लिया और मैं जहाँ पे भी घुमाऊंगा वो उसी को फॉलो करेगा. सो इट्स लाइक फॉलोइंग योर बॉडी. तो यू वोंट मिस आउट द मेन वीडियो. तो ये ऑप्शन और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बताने वाला हूँ. अगर आप अकेले हो और आपने ट्राइपॉड पे आपका गिम्बल माउंट किया है और आपने कहीं रखा है और आपको गिम्बल को आपको ट्रेस करना है ऑटोमेटिकली, तो वो टाइम पे आपको एक चीज करना है बस. क्या आप ये हैंड सिंबल देख रहे हो, अभी ऑफ है, उसको ऑन कर देना है. गेस्चर कंट्रोल को ऑन कर देना है और आपका गेस्चर रहेगा पाम. बस गिम्बल के पास ऐसा करके बोल दिखा देना तो आपको ऑटोमेटिकली वो फॉलो करना चालू कर देगा. जैसी अभी ये ऑलरेडी इसको फॉलो कर रहा है. तो सेम एग्जैक्टली आप जब फ्रंट साइड से शूट करोगे ट्राइपॉड पे लगा के, तो आपको बस हैंड गेस्चर दिखाना है, दैट्स ऑल. एंड यू आपको बताएंगे ये बॉक्स में क्या है. एक्चुअली ये बॉक्स में है यूज गाइड एज यूजुअल. आपको DJOMSE का यूजर गाइड मिल जाता है इसमें और आप सब कुछ सीख सकते हो लिटरली इफ यू आर अ बिगनर. ये एक्चुअली यहाँ पे कोई फॉरेन लैंग्वेज में लिखा हुआ है पर इंग्लिश में भी है इसमें. अगर आपको इंग्लिश चाहिए है तो इंग्लिश में भी है इसमें. और यहाँ पे इन्होंने ओस्मो 4 के लिए इन्होंने पाउच दिया है जो कि एक बहुत ही कंपैटिबल है जो ट्रैवलर्स है और जिनको कम स्पेस में इनको ये सब करना चाहिए तो उनके लिए ये बहुत ही परफेक्ट है. आप एक पाउच में डाल के आप यू आर गुड टू कैरी. और इसके साथ साथ आपको और एक चीज मिल जाती है जो कि है हैंड स्ट्रैप आई गेस. सो ये आपको गिम्बल में लगाना होता है यहाँ पे और आप इजीली कैरी कर सकते हो. सो ये सब चीज है ओस्मो 4 में. और ओस्मो 3 में आपको ये क्लैंप देखने नहीं मिलता है. ये जो क्लैंप है ये क्लैंप देखने नहीं मिलेगा. वो ऑलरेडी इसको अटैच्ड ही रहेगा. और ओस्मो 3 में ये ऐसे पाउच भी नहीं है, उनका हार्ड केस दिया गया है जो कि थोड़ा ज़्यादा स्पेस खाता है. और मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा है. ये बहुत ही फाइन क्वालिटी का है, प्योर लेदर से बना हुआ है एंड प्रीमियम फील देता है आपको एंड इट्स गुड टू कैरी. हम जब आउटडोर शूट करेंगे तब हम आपको इसकी सिनेमैटिक शॉट्स, शॉर्ट वीडियोस और स्लो मोशन वीडियोस और थोड़े से टिप्स और ट्रिक्स जैसे कि गिम्बल को कैसे यूज करना चाहिए, कौन से एंगल से यूज करना चाहिए, स्पोर्ट्स मोड पे जब आप भाग रहे होते हो तो आपको इसको प्रेस करके रखना चाहिए तब कि वो लॉक कर देगा आप ये जो एक्सेस है इसको लॉक कर देगा और आपका फोन जो है बिल्कुल स्टेबल रहेगा ऐसे जब आप स्पोर्ट्स मोड पे जाते हो, जब आप आउटडोर शूट्स करते हो. और हम आपको वो वीडियोज और वो टिप्स और ट्रिक्स पार्ट 2 में बताएंगे.